Song Mahal, was it the Mahal of your love life? I wish it was, but I think I had been doing the last three or four songs that I've done in the last 2 years were more funk, more dance, which is again a big part of my personality. But this time around, I thought let's slow things down a little bit. Or romantic gaano ka bhi main bahut bada fan. I've grown up listening to Hindi film music and songs. So this was again a very, very important side of my musical personality, and I thought let's explore that. And this word, जो है माहौल, यही इतना कमाल है कि शुरुआत इसी word से हुई, and इसके आसपास फिर चीजें बनती गईं. Rohit sir, I have a question for you, a little unrelated, but what is the Mahal for Khatron going to be? जैसे होता है हर साल. And by the way, जो सुनते हैं हम आज भी ना खतरों के खिलाड़ी, music was done by him. रोहित जी, यू आर, इनका माहौल है आज, इनसे पूछो जाना, इनको नर्वस करो आज. उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था कि यंग टैलेंट है और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम, यू नो. तो आने वाले दिनों में लाइक यू ऑल्सो ट्राई टू पिक अप थिंग्स, लाइक कभी कोई बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट होता है तो यू टेक इन योर मूवीज, तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो? अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा. अच्छा सलीम, जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स है, तो यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू कमर्स, मतलब ये भी रहेगा? और ऐसे भी होता है कि बहुत बार आपके पास टैलेंट आते हैं, दे यू नो गो टू लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे इंडस्ट्री में घूमते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं इनफैक्ट, लेकिन वहां पर शायद उनको कोई चांस नहीं मिलता, मतलब गुड टैलेंट है हमारे पास. हो सकता है, तो थिंकिंग दैट आल्सो यू हैव यू नो कम अप विद दिस लेबल. मैंने ऐसा कुछ ऐसा कभी सोच के नहीं किया कि सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो हमारे पास आ सकता है, फिर ऐसा कभी सोच के नहीं किया था. हमने सोचा था कि हम एक, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ क्रिएटर. और क्या कहना चाहेंगे माहौल सॉन्ग के बारे में जो आपने देखा और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं राज के साथ? तो सबसे पहले तो मेरे लिए ओके, सबसे पहले तो आई थिंक राज एंड द होल टीम ऑफ मर्चेंट रिकॉर्ड्स डिजर्व सो मच लव एंड द ह्यूजेस्ट अप्लॉज, क्योंकि अब वो जो वेव ऑफ चेंज आ रहा है जहाँ लोग बिना डरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज म्यूजिक. मैंने कुछ रिलीज़ किया था दो महीना पहले मार्च में, एंड उस वक्त रियलाइज़ होता है जब आप एज एन आर्टिस्ट कुछ करते हो ना कि बहुत डर लगता है. हम अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर आज जो माहौल मैंने देखा, यू नो, इतने सारे लोग राज को और उसके इतने खूबसूरत गाने को सपोर्ट करने आए हैं एंड चेयर करने आए हैं, नॉट बिकॉज ओनली दैट राज इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू एवरीबडी ही नोज, बट इतना खूबसूरत गाना बनाया है, इतना प्यारा वीडियो है, सिंप्लिसिटी इज़ लाइक द हाईलाइट ऑफ इट. सो आई विश एंड प्रे कि ये गाना सबकी प्लेलिस्ट में पहुंच जाए और इस तरह
मल्टीपल गाने आते रहे एंड आई विल कंटिन्यू टू बी अ बिग चीयरलीडर फॉर राज ऑलवेज. ओ वेल, मैंने तो अपकमिंग तो मतलब अभी मैंने अपने आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मार्च में रिलीज़ किया था, इट्स कॉल्ड बिग बैंड थियोरी. उसमें 5 गाने हैं. इट्स माई फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ओरिजिनल एल्बम जिसमें शंकर जी ने गाना गाया है, गाना शान ने गाया है, गाना मेरी बहनें सुकृति प्रकृति और मेरी मम्मा ने गाया है, और एक गाना निकिता और निकिता गांधी एंड शाश्वत सिंह ने गाया है, और एक गाना रोमी बाजी ने गाया है. जिसने ये गाना लिखा है माहौल राज का गाना, आईपी सिंह, उन्होंने भी एक गाना मेरे प्रोजेक्ट में लिखा है. सो या आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर ऑल आर्टिस्ट टू कीप रिलीजिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक ऑल ऑफ यू, मेक्स मी वेरी वेरी नर्वस. सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू यू राज, बिकॉज विदाउट any questions you just came to me, you're like, this is the song I've made and I want you to be a part of it, and it's my privilege, it's my honor that I'm a part of something so beautiful. And I think you guys will know when you see the song and when you hear the song, and I'm just very grateful to be here. Thank you so much. Thank you so much. So before we play the song, aapke haathon se mujhe ek choti si cheez karwani hai. अगर आप एक्शन कॉल दे दें आज के इवेंट का तो आई थिंक वीडियो सुपर हिट ऐसे ही हो जाएगा. एक्चुअली क्लैप देते हैं जब कुछ शुरुआत हो रही होती है, इसको हमने शुरुआत सोच लेते हैं. सो ऑल द बेस्ट राज, कीप कम आवर. थैंक यू सो मच. Thank you everybody, please gana dekhiye, share kijiye and have fun. Thank you so much. Thank you guys. हमेशा अपने फर्स्ट ड्राफ्ट या कुछ जो अगर सुनाने लायक मेरा बन जाता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच विद एवरीथिंग. तो अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ही इज स्ट्रेट अप. एंड आई थिंक आई एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई नीड दैट ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल अराउंड मी. और इसमें जो एक एडिशन इनका है जो वीडियो से कनेक्टेड नहीं है बल्कि ऑडियो से है, वो जो ट्रम्पेट का साउंड आप सुनते हैं गाने में वो उनका आइडिया था. मैंने एकदम रफ स्केच उनको सुनाया था कि ये मेरा गाना है, धुन है बहुत एक बेसिक बीट पे, एंड ही सेड इसमें वो एक यू नो सैक्सोफोन या ट्रम्पेट टाइप का कुछ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, यू नो जैसा वो रूप तेरा मस्ताना जो एक गाना था बहुत कमाल का, उस तरह का एक फील है इस गाने में. अशोक जी अपने डेज में चले गए. हाँ बिल्कुल, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. मैंने कहा अच्छा, इफ यू फीलिंग लाइक दैट देन दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी इन अ वे, बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर लाइकिंग इट. सो उनके सिर्फ विजुअल सजेशंस भी नहीं, म्यूजिकल सजेशंस भी काफ़ी कमाल होते हैं. सो या आई मीन दैट्स द, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और फिर फाइनली आई पुट आउट द सॉन्ग. थैंक यू राज. वन क्विक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वुड वी फाइंड इन योर प्लेलिस्ट इफ वी वर टू टेक अ लुक एट इट? इट्स ऑल काइंड्स, स्टार्टिंग विद हिंदी फिल्म म्यूजिक, बिकॉज़ आई हैव ग्रोन अप ऑन हिंदी फिल्म के गाने, और but it's also diversified into funk, into R&B, into qawwalis. I also listen to ghazals, I also listen to some devotional music. To mera bahut hi mixed platter hai, to I don't focus, because as a, again like I said, as a musician you have to listen to everything, you have to learn from all kinds of genres and styles. To jaisa mahol hota hai waisa hi gana hota hai. Like that. Yeah. Thank you.